खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत लागू की गई है। इससे महाराष्ट्र में करीब 90 लाख लोगों को फायदा होने का दावा सरकार कर रही है। इसी कड़ी में लातूर जिले के पालक मंत्री संभाजी पाटिल निलंगेकर ने दावा किया कि आप गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठाते हुए गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करा सकता है। उन्होंने कहा कि पैसों की कमी की वजह से किसी का इलाज अब नहीं रुकेगा। उनके हाथों आयुष्मान भारत ई कार्ड का वितरण भी किया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पहले गरीब लोगों का इलाज नहीं होने से मौत होने की कई घटनाएं देखी जा चुकी हैं, लेकिन अब हर व्यक्ति के लिए इलाज आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने आज आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत की। मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूँ, देश में सबसे ज्यादा जो आत्महत्याएं होती है वो आरोग्य का उपचार के लिए जो खर्च होता है वो खर्च का बोझा वो उनके ऊपर नहीं ले सकते और उस वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर एक खर्च का बहुत बोझा होता है, उसमें बहुत सारे लोगों की उनका मृत्यु भी होता है और बहुत लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं। आज देश के प्रधान ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना का शुरुआत की और इससे समाज का जो अंतिम जो आखिरी वर्ग है उनको इसका लाभ मिलेगा। जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, जो काम करते हैं, जिनके पास आर्थिक अड़चन में जितने लोग हैं उनको वो आज उपचार और उनको इलाज की से वंचित नहीं रहेंगे। ये योजना से सभी को लाभ होगा। ऐसा यापूर्वी जगामध्ये ओबामा केअर नावानी ओबामाच्या नावाची स्कीम लोकांना माहिती होती, परंतु त्या ओबामा केअर पेक्षाही मोठी स्कीम आरोग्याची माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यांनी ही आयुष्यमान भारत केलेली आहे। आम्ही त्या स्कीमला मोदी केअर असं म्हणतो आणि या निमित्तानं देशाचं आरोग्य आणि सगळ्यांचा मोफत, ज्यांना हे कार्ड दिलं जाणार आहे त्यांना मोफत आणि पेपरलेस, म्हणजे कुठे पेपर घेऊन जायची गरज नाही, काही नाही, एक बारकोड नंबर असेल त्या बारकोड वरनं महाराष्ट्राचा जरी पेशंट असला, रहिवासी असला आणि तो दिल्लीमध्ये गेला आणि आजारी पडला तर पूर्वीच्या सरकारच्या म्हणजे स्कीममध्ये त्याला त्याच राज्यात करावं लागायचं, परंतु या स्कीममध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये कुठल्याही दवाखान्यात सरकारीच नाही, लिस्टमध्ये जवळपास 13,000 दवाखान्यांची लिस्ट आहे, या लिस्टमधल्या दवाखान्यात उपचार घेता येईल आणि मोफत उपचार या ठिकाणी केला जाईल। हे अतिशय महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्र्यांनी सुरुवात केलेली आहे। मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो आणि या योजनेचा देशातील तमाम जनतेने लाभ घ्यावा असं आवाहन करतो। हालांकि सरकारी योजना का कितना लाभ गरीबों को मिल पाता है यह वक्त ही बताएगा, क्योंकि गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में सरकार ढिंढोरा ज्यादा पीटती है और लाभ कम होता है। लातूर से हारून मोमिन, खबरदार।